hello students a very good morning to all i hope you all are doing great and focusing on your studies as well i know ki aap log thoda abhi कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होंगे अपने स्टडी पे ड्यू टू दिस पैंडमिक एंड ऑल बट डोंट वरी आप अपने स्टडी पे फोकस कीजिए और ये सारे जितने भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं ये सबसे दूर रहिए बहुत सारे आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि मैम हम लोग जो स्टूडेंट स्टैंडर्ड नाइन्थ में हैं और अभी स्टैंडर्ड टेंथ में जा रहे हैं तो हम लोग किस तरीके से पढ़ाई करें किस तरीके का हमारा टाइम टेबल हो हमारा पेपर होगा भी या नहीं होगा इस डायलेमा में है पढ़ें या नहीं पढ़ें बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी आ रहा है कि हमारा भी अगर वोट्स नहीं हुआ तो ये सारे चीज़ को असाइड करके आप अपने स्टडी पर फोकस कीजिए जहाँ तक बात है टाइम टेबल की तो मैं आपको टाइम टेबल तो नहीं बताऊँगी यहाँ पर इस वीडियो में क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स का अपना अलग है उसका स्ट्रेंथ और वीकनेसेस उस बेसिस पे आप अपना टाइम टेबल ख़ुद से बनाएं हाँ मैं आपको गाइड ज़रूर कर सकती हूँ इसके रिगार्डिंग कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आपको अवॉइड करनी चाहिए और अपने डेली हैबिट्स में कुछ ऐसे आदतें जिनको आपको मेंशन करना चाहिए और उन पर ध्यान देना चाहिए अगर आप लोग अभी चाहें तो अभी आपके पास एक अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्कूल्स वगैरह बंद है ऑनलाइन क्लासेस आपको घर से ही करने होते हैं तो टाइम आपके पास सफिशेंट है लास्ट मिनट बर्डन नहीं हो बोर्ड्स का स्ट्रेस नहीं हो उसको दूर करने के लिए उसको दूर रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं मैं वो सारी छोटी छोटी बातें जो कि आपके बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है उस चीज़ को आज डिस्कस करेंगे हम लोग इस वीडियो में ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है आपका ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है लेकिन जस्ट एक ये गाइडिंग वीडियो है जिससे कि आपको थोड़ा सा हेल्प मिल सके तो बिना अभी आ, आगे और बात किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और देखते हैं वो कौन सी ऐसी छोटी छोटे स्टडी टिप्स हो सकते हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं लॉन्ग रन में तो मेरा स्लाइड पहला स्टार्टिंग है वहीं से क्योंकि ये रिक्वेस्टेड वीडियो था हमारा कि टाइम टेबल दीजिए मैम स्टूडेंट्स टेंथ में जो अभी जा रहे हैं उनके लिए तो उनके लिए ही है पहला नोट मेरा वही है वहीं से स्टार्ट होता है डेट प्लीज ट्राई टू मेक द टाइम टेबल बाई योर ओन अपना टाइम टेबल खुद से बनाने की कोशिश कीजिए वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा क्यों रहेगा मैंने वो आपको बता दिया बिकॉज सारे स्टूडेंट्स का पढ़ने का तरीका अलग होता है उनका स्ट्रेंथ्स अलग है उनके वीकनेसेस अलग हैं उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स अलग हैं डिफ़िकल्टी लेवल अलग है सबकी तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है टाइम टेबल आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना है अपना परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बनाना है आपका इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बनाना है आप किस टाइम पे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं उसके रिगार्डिंग में मैंने नेक्स्ट पॉइंट मेरा वही है सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखने वाली ये है कि यू शुड स्टडी और यू शुड वर्क स्मार्टली राधर देन वर्किंग हार्ड एक बुक को लेकर कंटिन्यूसली पूरे दिन पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं है जस्ट यू हैव टू स्टडी ओनली फाइव टू सिक्स आवर्स अ डे ठीक है बहुत ज़्यादा अगर आप स्टूडियस हैं या पढ़ने का मन है फिर भी मैं कहूँगी आपको कि एट आवर्स से ज़्यादा तो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई करनी चाहिए स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड नाइन्थ और टेंथ के लिए पाँच से छः घंटे की पढ़ाई सफिशियंट है अकॉर्डिंग टू मी दूसरा बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप टाइम टेबल बना रहे होंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड डिसाइड डेट वेदर यू आर एन आउल पर्सन और अ क्रो पर्सन अब ये कहने का क्या मतलब है वॉट डू आई मीन बाई आउल पर्सन और अ क्रो पर्सन तो यहाँ पे आउल पर्सन और क्रो पर्सन कहने का मतलब है, है कि देखिए दो तरीके के ब्रॉडली अगर एस्पेक्ट्स होते हैं हम लोग बात करें तो टाइम टेबल बनाने की या तो आप अपना मॉर्निंग ओरिएटेड रूटीन बनाएंगे या तो नाइट ओरिएटेड इसीलिए मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा इसे आउल पर्सन यानी कि आप रात में ज़्यादा अटेंटिव हो पाते हैं आप रात में ज़्यादा फोकस्ड हो पाते हैं तो ऐसे लोगों को हमने आउल पर्सन की कैटेगरी में रखा है एंड दूसरा है हमारा क्रा क्रो पर्सन ये क्रो पर्सन मतलब जो अर्ली राइजर होते हैं मॉर्निंग में जिन्हें पढ़ना पसंद होता है वो ज़्यादा कंफर्टेबल ज़्यादा ग्रास्पिंग नॉलेज उनकी मॉर्निंग में तो ये आपका अपना चॉइस है आप दोनों में से कोई भी हो सकते हैं वैसे मैं प्रेफर करूँगी कि आप क्रो पर्सन बने नेक्स्ट है हमारा बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट रहता है मैम बेस्ट टीचर कौन सा है बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है किन से हम लोग पढ़ें क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड मटेरियल आपके पास अवेलेबल है नेट पे यूट्यूब पे तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग यू शुड नॉट लुक फॉर द बेस्ट टीचर बेस्ट टीचर की खोज में मत जाइए सबसे बेस्ट तरीका है डैट यू शुड गेट एन ओवर ऑफ द टॉपिक्स फ्रॉम एनी टीचर्स जो भी टीचर आपका समझ आते हैं या जिनकी आपको मतलब आपकी ट्यूनिंग अच्छी होती है उनसे बस उस चैप्टर का या उस पर्टिकुलर टॉपिक का एक ओवरव्यू ले लीजिए एंड उसके बाद इनकलकेट हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडिंग आप खुद से स्टडी कीजिए आपने टॉपिक किसी भी टीचर से पढ़ लिया ओवरव्यू ले लिया उसके बाद गो इन टू द हैबिट ऑफ़ सेल्फ स्टडिंग खुद से पढ़ाई कीजिए बुक्स की हेल्प लीजिए नहीं समझ आए गूगल कीजिए आजकल सब चीज़ आपको गूगल अवेलेबल करा देगा एक विद इन सेकेंड्स तो आपको ज़रूरत नहीं है कि टीचर्स ने एक एग्जाम्पल बोर्ड्स पे बताया तो उसको ही मग अप कर रहे हैं आपके पास बहुत वेराइटीज ऑफ ऑप्शन हैं आप उसको जितना डीपली पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं तो इस चीज़ का आपको यूटिलाइज करना आना चाहिए नेक्स्ट अब कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो कि रूटीन बनाते समय आप अपना ध्यान में रख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट मैं शुरू करना चाहूँगी स्टार्ट योर डे अर्ली से अब ये क्यों तो जब हम अपना स्टार्ट करते हैं डे अर्ली इन द मॉर्निंग तो हमारे पास काफ़ी मतलब टाइम ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स जो आठ बजे उठ रहे हैं या नौ बजे उठ रहे हैं अगर आप पाँच बजे भी उठते हैं तो आपके पास ये जो तीन आवर्स है वो आपका एक्स्ट्रा काउंट हो रहा है तो इसलिए ऑलवेज़ ट्राई टू स्टार्ट योर डे अर्ली इन द मॉर्निंग हाँ एक्सेप्ट अगर आप आउल पर्सन हैं तो अब नेक्स्ट बात करेंगे गोल सेटिंग की अब गोल सेटिंग क्यों ज़रूरी है तो किसी भी जर्नी को स्टार्ट करने से पहले यू शुड नो कि मेरा गोल कहाँ है क्या हमको अचीव करना है कहाँ हमको जाना है सो सेट योर गोल और गोल ऐसे बनाने हैं जो कि रियलिस्टिक हो ऐसा नहीं कि अपने ऊपर बहुत हार्श हो गए और फिर उसको अचीव करने में फ़ेल हो गए और अपने इस फेलियर को अपने हर्ट पे ले लिया ऐसा कुछ नहीं करना है रियलिस्टिक गोल्स बनाइए छोटे छोटे गोल्स बनाइए और उनको अचीव कीजिए नेक्स्ट पॉइंट पे मैं बात करना चाहूँगी है हमारा क्रिएट अ हैप्पी वाइब्रेंट एंड पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लेस बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू मी ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है एक हैप्पी वाइब्रेंट और पर्सनलाइज स्टडी प्लेस का होना बहुत ज़रूरी है हो सके तो आप इसमें एक दिन दीजिए दो दिन दीजिए अपने एक स्टडी प्लेस बनाइए वहाँ पे आपके कैलेंडर होने चाहिए टाइम टेबल होने चाहिए कुछ मोटिवेशनल थॉट्स हो सकते हैं और वो हर छोटी छोटी चीज़ों को आप वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं जिससे कि आपका स्पिरिट जो है वो हाई रहे अच्छी लाइटिंग होना चाहिए जिसकी वजह से कि आपके आँखों पर स्ट्रेन ना पड़े स्टडी चेयर होना चाहिए ध्यान रहे कभी भी बेड पर बैठ के या लेट के पढ़ाई नहीं करनी है अब ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको रिमेंबर करना चाहिए मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा है ऐसे मेक अ रियलिस्टिक टाइम टेबल कवरिंग ऑल योर सब्जेक्ट्स अब आपको टाइम टेबल ऐसे बनाना है जो रियलिस्टिक हो और आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाए सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाने का मतलब है कि एटलीस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस एटलीस्ट थ्री सब्जेक्ट्स ऑन अ डेली बेसिस ठीक है इसके लिए आप क्या कर सकते हैं अपने टाइम टेबल को पेस्ट कीजिए राइट इन फ्रंट ऑफ यू ताकि आप अवेयर रहें कि आप ट्रैक पे हैं या नहीं हैं राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए जितनी हो सके नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्राई एंड मेक नोट्स नोट्स बनाना क्यों ज़रूरी है तो नोट्स बनाना ज़रूरी क्यों है उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि नोट टेकिंग या नोट मेकिंग जो है वो एक आर्ट है जो कि स्टूडेंट्स को आनी चाहिए इससे क्या होता है कि उनका ये जो लर्निंग जर्नी में वो फोकस्ड कर पाते हैं जब भी भी आप एन को अपने थॉरली पढ़ रहे हैं दो बार तीन बार 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 जब आपने पढ़ा है तो आपको ऐसे कुछ पॉइंटर्स मिलेंगे जो कि आपको मतलब एक बार देख लिया उसे तो फिर आगे का जो भी आपका आ, आ, क्या उससे बोलेंगे कॉन्सेप्ट है जो क्लियर हो सकता है तो वो वैसे पॉइंटर्स को हाईलाइट कीजिए नेक्स्ट पॉइंट पे अगर बात करते हैं हम लोग तो वो है हमारा टेक स्मॉल ब्रेक्स इन बिटवीन योर स्टडी टाइम्स ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट कभी भी आपको स्टडी को एक ही स्ट्रेच में एक ही गो में नहीं कंप्लीट करना है हमेशा थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनट्स के बाद आप ब्रेक ले सकते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात हमेशा ध्यान रहे ये जो आप स्मॉल ब्रेक्स ले रहे हैं अपने स्टडी टाइम के बीच में उसमें आपको क्या करना है सबसे पहले क्या नहीं करना है उसकी बात करते टी वी नहीं देखना है वीडियो गेम्स नहीं खेलना है सोशल मीडिया नहीं चलाना है अब करना क्या है आप इसमें हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड ले सकते हैं सिंपली आप वॉक कर सकते हैं डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं वाटर कंज्यूम कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है नेक्स्ट मेरा वही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया हार्डली बहुत ज़्यादा अगर आपने पढ़ा है तो हमारा स्टडी का जो स्ट्रेच है दैट शुड नॉट बी मोर देन टू टू थ्री आवर्स आपको इसके बाद ब्रेक लेना ही है इट्स अ कंपल्सरी नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो है हमारा यूज़ योर टाइम वाइजली अब अपने टाइम को वाइजली कैसे यूज़ कर सकते हैं तो मेरा ऐसा मानना है मैं ऐसा सजेस्ट करूंगी आपको डेट डू नॉट गो बाय द क्लॉक गो बाय द अमाउंट यू हैव टू कवर अप ये कभी मत देखिए कि तीन घंटे पढ़ना है या चार घंटे पढ़ना है क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है इस बात पे ध्यान रखिए उसके बाद आप जितना अमाउंट आपने तय किया है टू कवर इन अ डे जस्ट स्टिक टू इट नो मैटर वॉट आपको पढ़ने में कितना टाइम भी लगे और इस चीज़ को आप ना प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए मतलब आगे पे टालते मत जाइए क्योंकि दो ही चीज़ होता है आइदर द क्लॉक बीट्स यू और यू बीट द क्लॉक सो ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट दैट यूज़ योर टाइम वाइजली नेक्स्ट पॉइंट विल बी टॉकिंग अबाउट आइडेंटिफाई योर टाइम वेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन हमारा टाइम जा कहाँ रहा है यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस यह सोशल मीडिया पे जा सकता है वीडियो गेम्स इवन की एडिक्शन टू टीवी और जस्ट प्लेन लेजीनेस ऐसे ही पड़े हैं और टाइम वेस्ट हो रहा है, सो ऑलवेज बी फोकस्ड कि आपने जो भी टाइम वेस्ट किया है वो आपका टाइम कहाँ वेस्ट हुआ है ताकि आप उसे नेक्स्ट स्लॉट में नेक्स्ट डे उसे सुधार सकें हमेशा पढ़ते वक्त अपना सोशल मीडिया से दूर रहिए फ़ोन को इवन स्विच ऑफ कर दीजिए जब ब्रेक टाइम हो और नेसेसरी हो तभी रिसीव कीजिए अदरवाइज नो नीड नेक्स्ट मॉनिटर योर प्रोग्रेस एंड सेल्फ इवैल्यूएट वीकली अब इस पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे अब चूंकि हमारा ये लॉकडाउन फेज चल रहा है और स्कूल में आप हैं नहीं ऑनलाइन कोर्सेज में टीचर्स आपके ऊपर इतना मॉनिटरिंग नहीं रख सकते हैं सो यू नीड टू प्रोग्रेस ज़रूरी है बट ये प्रोग्रेस हो भी रही है या नहीं इसके लिए आपको क्या करना होगा यू नीड टू मॉनिटर योर सेल्फ एंड यू हैव टू इट योर सेल्फ दैट इज सेल्फ़ इवेलुएशन अब आप ये कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि हमेशा अपने लिमिट्स को चेंज करते रहिए हाई करते रहिए ऑलवेज पुश योर लिमिट्स और हमेशा कीप टेलिंग योर सेल्फ डेट यू कैन डू इट जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे यू विल बी हैप्पी यू विल बी सेटिस्फाइड और ये चीज़ आपको अंदर से मोटिवेट करेगा टू स्टडी फर्दर सो ऑलवेज रिमेंबर टू मॉनिटर योर प्रोग्रेस एंड टू एवेल्युएट योर सेल्फ एटलीस्ट ऑन अ वीकली बेसिस कि मैंने हफ्ते भर ये पढ़ा और इससे मुझे कितनी प्रोग्रेस हुई कल तक मैं क्या जानती थी और आज क्या जान रहा हूँ सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट विल टॉक अबाउट आइडेंटिफाई एंड नोट डाउन योर वीकनेस हिज एंड स्ट्रेंथ वाइल मॉनिटरिंग योर सेल्फ यू विल कम टू नो योर वीकनेस एज़ वेल एज स्ट्रेंथ जब आप अपने आप को अपने प्रोग्रेस को सेल्फ इवेलुएशन करेंगे तब आपको समझ आएगा कि मेरी वीकनेसेस क्या है मेरी स्ट्रेंथ क्या है कैसे जब आप कंटिन्यूसली दो हफ्ते तीन हफ्ते का अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करेंगे देन यू विल रियलाइज़ कि मेरे तो कंटिन्यूसली सोशल साइंस में आ, मेरा कुछ नहीं इम्प्रूवमेंट हुआ है या फिर साइंस में या मैथ्स में मैं जहाँ था जैसे मेरे पढ़ाई का जो शेड्यूल था वो आज भी वैसे ही तब आपको पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट नजर आएगा हो सकता है स्टार्टिंग में आप ये खुद से करने में दिक्कत हो देन टेक योर दे पेरेंट्स हेल्प ये इसमें इस कोई बुराई नहीं है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डू नॉट चीट योर सेल्फ ये इस पॉइंट पे भी मैं यही आपको बताऊंगी क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है तो आपके ऊपर कोई भी कॉन्स्टेंट चेक नहीं रख सकता है सिवाय आपके इसलिए आपको खुद को चीट नहीं करना है आप अपने आप को सेल्फ इवेलुएशन कीजिए क्रिटिकली और उसमें आप अपना बेस्ट हंड्रेड परसेंट देने की कोशिश कीजिए आपने स्ट्रेंथ के ऊपर वीकनेसेस के ऊपर काम कीजिए और नो नीड टू चीट योर सेल्फ क्योंकि इसका रिजल्टेंट फिर आपको ही भुगतना पड़ेगा नेक्स्ट बी फ्लेक्सीबल टू चेंज योर टाइम टेबल बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ वीकनेसेस कन्वीनियंस एंड नीड्स एक बार टाइम टेबल बना लिया ना उसको रख दिया अब कंटिन्यूसली ईयर लॉन्ग उसको फॉलो कर ऐसा नहीं करना है जब आपने इवेल्युएट किया अपने आप को आपने देखा आपके स्ट्रेंग और वीकनेसेस को बेस्ड ऑन दिस आपको अपने टाइम टेबल को चेंज करना है मतलब जो सब्जेक्ट पे आपका अच्छा कमांड है उसके ड्यूरेशन को कम करेंगे जिसमें वीकनेसेस है उसको बढ़ाएंगे तो ये इसका मतलब है दैट योर टाइम टेबल शुड बी फ्लेक्सिबल इन नेचर गॉट इट नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा डैट ऑलवेज सॉल्व क्वेश्चन एवरी टाइम यू फिनिश अ चैप्टर वंस यू कम्प्लीट अन्टायर चैप्टर सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ़ डैट पर्टिकुलर चैप्टर इससे क्या होगा आपको मालूम चलेगा कि मैंने जो पढ़ा है वो कितना रिलेटिबल है फाइन नेक्स्ट डू नॉट ब्लाइंडली मग अप द थ्योरीज अंडरस्टैंड दैम फर्स्ट सपोज डैट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो भी थ्योरीज हमारे बुक में हैं या फिर नोट्स जो भी उन्हें मिला है उसको वो मग अप रटने की कोशिश करते हैं ऐसा कभी भी मत कीजिए ट्राई टू अंडरस्टैंड दम फर्स्ट पहले उसको समझिए इससे क्या होगा कि यू विल बी एबल टू राइट योर आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स एग्जामिशंस में भी हमेशा मैंशन होता है राइट द आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स और इससे आपका रिटेंशन पावर मेमोरी भी याद रहने की क्षमता भी आपकी बढ़ेगी स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट कोई भी जल्दबाजी नहीं कोई भी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है ये सिर्फ आपके स्टडी स्मॉल स्टडी टिप्स हैं जो कि जिससे कि आपका एक बार में बर्डन अप नहीं हो यू डोंट हैव टू स्टडी टेन टू ट्वेल्व आवर्स बिफोर द एग्जाम से राइजेस ठीक है कंटिन्यूसली आप अगर इसको कंटिन्यू वन वन ईयर तक फॉलो करते हैं देन यू विल बी ईजिली स्कोरिंग मोर देन नाइन्टी परसेंट नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे डैट इज़ अलोकेट टाइम फॉर योर एंटरटेनमेंट एज वेल दिस विल हेल्प यू स्टे फोकस्ड इट्स नॉट नेसेसरी इट्स नॉट मैंडेट्री कि आप हमेशा आउटडोर गेम ही खेलें अपने सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट के लिए भी टाइम अलोकेट कीजिए वेदर इट बी सोशल मीडिया टी वी वीडियो गेम्स और किसी भी तरीके का सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ जो आपको पसंद है उसको भी अपने डेली रूटीन में ज़रूर मैंशन कीजिए इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे क्या होगा यू विल स्टे फोकस्ड आपको पढ़ाई करने में ईजी एक फोकस मिलेगा आप अवेयर रहेंगे चीज़ों से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मोनोटोनस जा रहा है मेरा सो ऑलवेज इट्स अ कंपल्सरी अगेन डैट यू शुड अलोकेट योर टाइम फॉर द एंटरटेनमेंट नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लीज़ इंश्योर यू स्लीव फॉर मिनिमम सिक्स टू सेवन आवर्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं ज़्यादा स्कोर करने के चक्कर में दे स्किप स्लीपिंग बारह बजे एक बजे रात तक पढ़ाई हो रही है बस हो ही जा रही है ऐसा पढ़ाई आपको दिमाग आपका रिटेन नहीं कर पाता है यू नीड टू स्लीप यू नीड टू गिव रेस्ट टू योर माइंड इज़ वेल सो ऑलवेज मेक श्योर डैट यू टेक स्लीप ऑफ सिक्स टू सेवन आवर्स एवरी डे इट्स अगेन अ कंपल्सरी पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा रहता है दैट दे इग्नोर इंग्लिश हिंदी और यू कैन से लिटरेचर सब्जेक्ट्स बट नवो डू दिस मिस्टेक्स ऑलवेज ऑलवेज मेक श्योर डैट यू स्टडी एटलीस्ट वन आर लिटरेचर सब्जेक्ट्स एक लिटरेचर सब्जेक्ट तो डेली पढ़ने ही हैं आई दर इट बी हिंदी इंग्लिश और अगर आपने संस्कृत ले रखा है तो संस्कृत फॉर एन आ डे ओके एक घंटा हो अपने लिटरेचर सब्जेक्ट्स को जरूर से ज़रूर दीजिए डेली ऐसा नहीं कि एक घंटा इंग्लिश पढ़ा एक घंटा हिंदी पढ़ा वन आवर सफिशियंट सपोज डैट फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे समझा भी दिया डेट इफ यू आर स्टार्टिंग इंग्लिश फ्रॉम एट पी एम टू नाइन पी एम ऑन अ मंडे देन ऑन ट्यूजडे यू कैन गो फॉर हिंदी और संस्कृत जो भी आपके हैं फॉर एन आवर नेक्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट में ही मैंने आपको डिस्कस किया डोंट निगलेक्ट एनी सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट्स को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी नहीं ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट सारे सब्जेक्ट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं हर एक सब्जेक्ट का अपना ह्यूज पोटेंशियल है एंड विच विल हेल्प यू इन मेकिंग अ करियर इन सम पर्टिकुलर फील्ड जिस भी फील्ड में आपको जाना है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स इक्वली बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं दे यूज टू फिक्स कि मेरे को ये बनना है एक्स वाई जेड मेरा फ्यूचर है और उसके अकॉर्डिंग ही वो पढ़ेंगे मेरे हिसाब से ये अच्छा तरीका नहीं है ऑलवेज इट्स बेटर टू बी डाउटफुल इन करियर करियर के मामले में डाउटफुल रहना भी सही है हंड्रेड परसेंट कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है बट वॉट यू आर गोइंग टू बिकम इन योर फ्यूचर जैसे जैसे आप नॉलेज गेन करेंगे योर माइंड विल एक्सप्लोर समथिंग बेटर इन फ्यूचर आपका माइंड डेवलप होगा आप एक्सप्लोर करेंगे बेटर चीज़ों को तो जो बेस्ट है वो अभी तक आपने डिसाइड नहीं करा है वो उसको आने वाला है वो सो लेट यूर माइंड डिसाइड विच इज़ बेस्ट थिंग टू डू इन फ्यूचर अभी अपने माइंड को टाइम दीजिए क्या आपके फ्यूचर में बेस्ट होने वाला है ये माइंड आपका डिसाइड करेगा विथ टाइम हमेशा अगर आप डाउटफुल रहेंगे अपने आ, आ, करियर को लेके तो इट विल गिव अ पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज टू कीप योर आईज ओपन फॉर बेटरमेंट आपके आँख खुले रहेंगे बेटर ऑप्शंस की तलाश में रहेंगे सो नेवर बी हंड्रेड परसेंट श्योर शॉर्ट अबाउट योर फ्यूचर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगेन सराउंड योर सेल्फ विथ मोटिवेशनल थाट्स रीड इंस्परेशनल बुक्स एंड बायोग्राफीज स्टे फोकस्ड एंड इंस्पायर्ड ये पैंडमिक में बहुत नेगेटिविटी है सराउंडिंग में so always try to motivate yourself keep yourself surrounded by the motivational thought at least it is very easy easily available you can go for the inspirational books as well biographies but try to stay focused and inspired always it's a mandatory for the students next some other things to keep you uh, in mind which you need to keep in mind that ऑलवेज़ रिवाइज द लेसन स्टार्ट व टॉट इन क्लास द डे बिफोर ऑनलाइन क्लासेज में जो भी आपको पढ़ाई हुआ है उसको दूसरे दिन पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले ऑलवेज़ रिवाइज डैट लेसन वैसे सब्जेक्ट्स जिनमें मेमोराइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है फॉर एग्जाम्पल हमारा हिस्ट्री हो गया जोग्राफी हो गया इसको लंच में आफ्टर द लंच आप रिवाइज़ कीजिए इसके स्टे के नोट्स बनाइए जो भी आपको डिफ़िकल्ट लगे याद करने में जब भी आप पढ़ाई कर रहे होंगे देन अवॉइड लिसनिंग टू म्यूजिक वॉचिंग टेलीविजन और टेक्स्ट मैसेजिंग इवन सर्फिंग द इंटरनेट अवॉइड ऑल दिस वाई यू आर स्टडिंग एंड डू नॉट स्टडी पास्ट इलेवन और इलेवन थर्टी पी एम फॉर स्टूडेंट्स इट्स मैंडेड थ्री नाइन टेंथ के स्टूडेंट्स के लिए ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे रात के बाद पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है योर माइंड नीड्स टू बी रेस्टेड उसको रेस्ट दीजिए हाँ अगर आप सन है देन यू कैन गो फॉर इट एंड ऑलवेज़ रिम्बर डेट हार्ड वर्क पेज ऑफ अगर आप ये हार्ड वर्क करने के लिए आज तैयार हैं तो इट विल श्योरली पेज यू ऑफ बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे ग्रेड्स लाने चाहते हैं बट ड्यू टू सम ऑफ द रीजन्स लेजीनेस हो गया या कंटीन्यूटी नहीं रख पाते हैं, जिनके वजह से उनके ग्रेड्स कम हो जाते हैं और दे साफर सो ऑलवेज स्टे फोकस्ड इंस्पायर्ड एंड फोकसड ऑन योर रूटीन वॉट यू हैव मेक रूटीन शुड बी फ्लेक्सिबल ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा अब ऐसा मान लिया एक दिन नहीं भी किया तो ऑलवेज रिमेंबर डेट ईच मॉर्निंग कंसिस्ट ऑफ अ न्यू बिगनिंग हर एक सुबह आपको एक नई शुरुआत का मौका देता है और ये मौका हमें हमारी गलतियों को सुधारने का भी होता है अ चांस फॉर यू टू राइट योर रॉन्ग्स अपनी गलती को राइट right करने का सो so ऑलवेज रिमेम्बर स्टे फोकस्ड स्टडी हार्ड जो भी कन्फ्यूजन हो उसे आप सॉर्ट आउट कीजिए मेरे से जो भी हेल्प अगर आपको चाहिए किसी भी तरह का यू तो कैन आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में और थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे हैप्पी थैंक यू